लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व व्रतियों ने कार्तिक शुक्ल पंचमी को खरना की रस्म निभाई। वहीं छठ पर्व को लेकर बाजारों में काफी रौनक रही। नहाए खाए की रस्म के साथ डाला छठ का 4 दिवसीय महापर्व शुक्रवार से शुरू हो गया। व्रतियों ने शनिवार की शाम खरना का विधान पूरा किया। कार्तिक शुक्ल पंचमी यानी शनिवार को व्रतधारियों ने दिन भर का उपवास रखने के बाद शाम को भोजन ग्रहण किया। पूरे दिन उपवास के बाद प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करना ही खरना कहलाता है। खरना में विशेष रूप से गुड़ से बनी खीर और देशी घी लगी रोटी प्रसाद रूप में ग्रहण की जाती है। खरना का प्रसाद लेने के लिए आसपास के लोगों को भी निमंत्रित करते हैं। खरना के पश्चात ही 36 घंटे का निर्जल उपवास प्रारंभ हो जाता है। वहीं छठ पूजा को लेकर बाजारों में चहल पहल काफी बढ़ गई है। लंका और अस्सी क्षेत्र में महिला एवं पुरुष खरीदारी करने के लिए उमड़ पड़े हैं। लंका के बाजार में खरीदारी करने वालों की भीड़ बाजार में शनिवार को दिखी। लोगों ने फल के साथ पूजा की सामग्री की जमकर खरीदारी की। हालांकि बाजार में पिछले वर्ष की तुलना में सामानों की कीमतों में करीब 20% तक की वृद्धि हुई है, मगर लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है। आज बाजारों में खरना को लेकर आम की लकड़ी, घी, मिट्टी का चूल्हा, साठी का चावल खरीदने के लिए लोगों की भीड़ दिखी। विशेष बात यह है कि इन फलों में एक ऐसा फल भी सुतनी फल होता है जिसे महिलाएं खरीदती हैं और साल भर उसे सुरक्षित घरों में रखती हैं। छठ व्रत में केले का बड़ा महत्व है। ऐसे में शहर में केले की मांग आम दिनों से करीब 300% ज्यादा बढ़ गई है। सीमा शुक्ला ने बताया कि छठ पूजा की खरीदारी करने हम निकले हैं। कल घाट पर पूजा है तो हम डलिया और फल सहित सभी पूजन सामग्री की खरीदारी कर रहे हैं। आज छठ पूजा है ना, तो उसी सामान खरीदने हैं। कल डलवा लेके जाना है घाट पे, तो उसी सब के लिए लेना है। तो कौन कौन सा फल लिया जाता है? फल सब चीज़ लिया जाता है, जैसे जितनी आपकी सामर्थ हो उतना फल लीजिए आप, 1 किलो, आधा किलो, 1 पाव, जो भी आपकी सामर्थ हो। लेकिन सब फल चाहता है, अनार है, सेब है, नाशपाती है, नारियल है, घाघर है, सब सारा फल चाहता है। तो केला है, गन्ना है, सुथनी है। तो कोई ऐसा भी फल होता है जिसे जो है साल भर रखा भी जाता है, क्या नाम है उसका? सुथनी है, सुथनी को रखा जाता है 1 साल तक। जैसे सूपा उठा के पूजा करके रख देते हैं हम लोग, उसी तरह का सुथनी रखी जाती है कि 1 साल तक सब अच्छे अच्छे से माँ सब अच्छा करें, इसलिए रखा जाता है। कितने सालों से आप व्रत रखते हैं? हमें आज 7 साल हो गया। आज फलों की खरीदारी करनी है? आज फल की खरीदारी, कल घाट पे जाना है। तो आज क्या कहा जाता है, आज के दिन को जो है आप लोग क्या ग्रहण करती है भोजन के? भोजन में आज पूड़ी बखीर रहेगा, गुड़ की खीर रहती है वो जरूरी होता है, और सादा पूड़ी रहेगा। तो घर पे कौन कौन से लोग जो है आपके साथ रहते हैं पूजा? हम सिर्फ व्रत रहते हैं, हमारा पूरा परिवार साथ में जाता है घाट पे। आपके ही पूजा होती है? हाँ, बेटा, बहू, बेटी, दामाद सब कोई जाएगा, ननद है, सब जाएगा, सभी परिवार जुट गए हैं इस पूजा में। जैसे शादी का मतलब माहौल होता है, उसी तरीके सारे परिवार हिताई नताई से सब जुड़ जाते हैं और सभी लोग घाट पे जाते हैं। तो क्यों इस फल को जो सुथनी आप नाम बताए हैं, क्यों रखा जाता है, क्या मान्यता है इसका? अब शुरू से इसी चीज का पूजा ज़्यादा मान्य किया गया है, इसलिए बिना सुथनी का पूजा ये अधूरा है। हम आए हैं इधर 80 पे आए, तो फल की मंडी देखे तो हमको लगा अच्छा देखने में, तो हम सोचे कि फल ले लिया जाए प्रसादी के लिए। घर पे जो पूजा चल रही है वो तो मतलब 3 दिन के लगातार चलती रहती है, और आज जो है खरना है, पर आज फल वल वगैरह लेकर के घर पहुंचेंगे, घर से ऑर्डर हुआ है। तो छठ पूजा की तैयारी आप लोग? छठ पूजा की तैयारी पूरा है। कितने फल इसमें लगते हैं पूजा के लिए? करीब करीब जो है 5 फल हम लोग लेके जाते हैं, बाकी और जो है जो औरतें हैं वो अपना जो कम ज़्यादा होता है वो अपना व्यवस्था कर लेती हैं, जो हम लोग को अच्छा लगता है फल में वो ले लिया जाता है। दाम तो सर हमेशा बढ़ेंगे, दाम को कोई रोका नहीं जा सकता है, पर आस्था एक ऐसी चीज़ है जिसमें जितना भी पैसा लग जाए कोई मतलब नहीं है उसका।